नाउ वी विल टॉक अबाउट द डॉपलर इफेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ठीक है, आज समझाएंगे डॉपलर इफेक्ट है क्या. इससे पहले डॉपलर इफेक्ट समझने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, ठीक है ना. एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक नॉर्मल जैसा रियल लाइफ में होता है. क्या अभी देख सकते हैं, देखो लाइक आपके पास में एक क्या है, ये एक सरफेस है, ये मानो क्या एक, ये मान लीजिए ये कोई भी सरफेस है, ठीक है. ठीक है, ऐसे एक मान लो टेबल है, टेबल टेबल ठीक है ना, और ये इतना बड़ी है टेबल, ठीक है. एक नॉर्मल टेबल मान लिया, नॉर्मल टेबल ये मान लिया, ठीक. नॉर्मल टेबल है, अब कोई दिक्कत नहीं है. यहां पे मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूं, यहां पे कौन बैठा हूं, मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है. और मेरे पास बहुत सारी क्या है, बॉल्स है, टेनिस बॉल्स. क्या है मेरे पास, बहुत सारी टेनिस बॉल्स. तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी टेनिस बॉल्स रखी हैं, और यहां है, यहां मान लीजिए आप बैठे हुए हो, यहां कौन बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो, सुनो ध्यान से, यहां आप बैठे हुए, यहां मैं बैठा हुआ हूं, और ये क्या है, टेबल है, स्मूथ टेबल है, ठीक है ना. ध्यान से सुनिए, ये मैं क्या कर रहा हूं, इस टेबल पर, इस टेबल पर मैं 5 बॉल पर सेकंड डाल रहा हूं. क्या कर रहा हूं मैं, इस टेबल पर 5 बॉल पर सेकंड डाल रहा हूं, और उन हर एक बॉल को मैं 2 मीटर पर सेकंड की क्या दे रहा हूं, स्पीड दे रहा हूं. हर एक बॉल को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रहा हूं, और हर 5 बॉल पर सेकंड में यहां पे डाल रहा हूं. तो सुनना ध्यान से, हो क्या रहा है, सबके बीच में ऐसे कुछ डिस्टेंस हो जाएगी, बहुत सारी बॉल्स इस पे आ जाएंगी जितना इसकी लेंथ होगी, ठीक है. ठीक, अब कंटिन्यूअसली क्या होता है, कंटिन्यूअसली ये मानिए कि यहां पे क्या हो रहा है कि 5 बॉल पर सेकंड यहां से जा रही है, 5 बॉल पर सेकंड यहां से जा रही है, इधर 5 बॉल पर सेकंड रखी जा रही है इसमें, 5 बॉल्स पर सेकंड, ठीक है. और यहां पे 5 बॉल पर सेकंड यहां पे जब रखी जा रही है, और इनकी स्पीड मान ली है क्या, कितनी स्पीड देखे, सबकी स्पीड, सबकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, सबकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है. तो एक बात बताइए कि सबके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी. और यहां इसको जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, वो भी 5 बॉल्स पर सेकंड मिलेंगी, 5 बॉल्स पर सेकंड. मतलब एक बॉल जैसे ये रखेगा उसको एक बॉल मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे तो कंटिन्यूअसली सबके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी. अब एक बॉल इसने रखी, एक बॉल इसको मिल गई, एक बॉल इसको भी रखी, एक बॉल इसको मिल गई. तो मतलब 5 बॉल पर सेकंड ये रखेगा तो 5 बॉल पर सेकंड इसको मिलेंगी, मिलेंगे या नहीं मिलेंगी. सबकी स्पीड क्या है, सेम है, सबकी स्पीड क्या है, सेम है. मान लो क्या है वो, 2 मीटर पर सेकंड, सब बॉल्स की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है. तो हमेशा इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है ना. ध्यान से सुनिए, एक बॉल यहां रखी, एक बॉल यहां गई, 5 बॉल पर सेकंड, ठीक है ना. ध्यान से समझिए, अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि अगर अगर मैं क्या करूं, केस दूसरा केस लेते हैं, अगर मैं क्या करूं कि यहां मुझे कितनी मिल रही है, 5 बॉल पर सेकंड मिल रही है, ठीक है. एक बॉल इसने रखी, एक बॉल मुझे मिल गई, ठीक है. लेकिन अगर मैं इस पर, ये सरफेस है, इस पर मैं चढ़ जाऊं, ठीक है, इस पर ये आदमी क्या करे, इस पर चढ़ जाए, ठीक है ना, इस सरफेस पर चढ़ जाए. अभी इसको कितनी मिल रही है, 5 बॉल पर सेकंड. अभी इस पर चढ़ के इधर चलने लग जाए, सुनना ध्यान से, इधर चढ़ के क्या करने लग जाए, यहां पर चलने लग जाए, तो इसको कितनी मिलेंगी, 5 बॉल पर सेकंड या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा. क्यों, यहां बैठा रहता तो 5 बॉल पर सेकंड मिल ही रही थी, बट ये वाली बॉल, ये वाली बॉल नहीं मिल रही थी, ये वाली बॉल नहीं मिल रही थी. जब ये चढ़ जाएगा तो जो बॉल इस तक नहीं पहुंच पा रही थी वो भी ये कलेक्ट कर लेगा. समझ आ रही है, जो बॉल यहां पे थी, यहां पे थी, यहां पे थी, इधर थी, वो जो ये कलेक्ट नहीं कर पा रहा था वो भी ये कलेक्ट करेगा. समझ आ रही है, वो तो आएगी आएगी 5 बॉल पर सेकंड, उससे ज्यादा कलेक्ट कर लेगा अगर यहां इस पर चढ़ के इस पर बॉल कलेक्ट करने लग गया तो. समझ आ रही है, तो मतलब अगर ये सोर्स पार्टिकल हो गया, सोर्स ये सोर्स हो गया, जो कि क्या कर रहा है, बॉल प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या है, कलेक्टर हो गया,
कलेक्टर, ये क्या कर रहा है, बॉल्स को कलेक्ट कर रहा है, बॉल्स को कलेक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए कि अगर कलेक्ट करने वाला ये इंसान इस पर चल के किसकी तरफ जाए, सोर्स पार्टिकल की तरफ जाए, तो ज्यादा बॉल पर सेकंड कलेक्ट करेगा। ठीक है, भले ही ये कितनी दे रहा है, 5 बॉल पर सेकंड ही दे रहा है, इसकी 5 बॉल पर सेकंड का मतलब मैं इसे फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं। बॉल्स की यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 बॉल पर सेकंड। यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या थी जब ये यहां पे बैठा था, तब 5 बॉल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, 5 फ्रीक्वेंसी इसके लिए थी जब यहां बैठा था तब। अगर ये इस पे चलने लग जाए तो क्या फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अब कलेक्ट कितनी करेगा, मोर देन 5 बॉल्स पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये एक केस हो सकता है कि जब कलेक्टर किसकी तरफ चलने लग जाए, सोर्स की तरफ, तब भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, जो जिस फ्रीक्वेंसी से इसको बॉल्स मिलेंगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से कि मान लीजिए ये देखिए, ये सोर्स, सोर्स, सोर्स में क्या होगा, सोर्स अगर यहां पर चलने लग जाए, क्या सोर्स यहां पर चढ़ जाए, अपने ये बास्केट है, इसकी बास्केट को लेके चढ़ जाए और चलने इधर लग जाए। अब बॉल्स को क्या है, रख रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रहा है, रख रहा है। अब क्या है कि बेसिकली ये जब इस पर चढ़ जाएगा तो होगा क्या, ये बॉल्स है ना, रख रहा है, ये बॉल्स रख रहा है, अभी सारी बॉल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, अभी सारी बॉल्स की बीच में डिस्टेंस इक्वल है, बट ये चढ़ जाएगा और इधर चलने लगेगा तो बॉल्स के बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी, बॉल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कैसे, अगर ये चढ़ जाए और इधर चलते जाए और बॉल रखते जाए, बॉल रखते जाए, बॉल रखते जाए, तो क्या होती जाएगी, बॉल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब बॉल्स के बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी तो इसको जो मिलने वाली बॉल्स होंगी पर सेकंड वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। हो क्या रहा है, बॉल्स की स्पीड वही है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, बट हो क्या रहा है कि यहां पे बॉल्स के बीच में डिस्टेंस क्या कर हो रही है, कम हो रही है। बॉल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। कब, जब ये बॉल्स इस पे चढ़ के इस पे रख रहा है, इस पे रख रहा है, तो क्या हो रही है, बॉल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से इसको जो मिलने वाली क्या है, बॉल्स, वो ज्यादा है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो सुनना ध्यान से, चाहे तो ये जो कलेक्टर है ये इसकी तरफ चले, किसकी तरफ, सोर्स की तरफ, तब भी इसको क्या है, ज्यादा बॉल्स पर सेकंड मिलेंगी। ठीक है, मतलब इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चाहे सोर्स पार्टिकल किसकी तरफ चले, जो कलेक्टर है उसकी तरफ चले, ठीक है ना, तब भी क्या बढ़ेगा, तब भी क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही है, जो इसको फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो तब भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा, जब ये दूर जाने लगे, जैसे कि मान लीजिए यहां तक ये बेंच बहुत बड़ी है, ये मान लीजिए कुछ ऐसे है, ये बेंच बहुत बड़ी है और ये है कलेक्टर यहां पे बैठा हुआ है, समझ आ रही है। अब ये जब इधर जाएगा तो इसको ज्यादा बॉल मिलेंगी, रेस्ट पे रहेगा तो क्या होगा, 5 बॉल पर सेकंड मिलेंगी। अब अगर इधर जाने लगेगा तो क्या होगा, कम बॉल कलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि यहां पे जो कलेक्ट कर सकता था उनको भी नहीं करेगा, वो भी आएंगी इसके पास में, समझ आ रही। जब ये दूर जाएगा तब कम बॉल पर सेकंड कलेक्ट कर पाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही ये सोर्स पार्टिकल का है कि सोर्स पार्टिकल भी दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉल्स के बीच में ये डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए सोर्स पार्टिकल भी कहां बिठा देते हैं, इसको भी बेंच पर बिठा देते हैं, ठीक है। सोर्स पार्टिकल मान लीजिए यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहां से क्या है, बॉल्स यहां पे डाल रहा है। अब सोर्स पार्टिकल जब सोर्स पार्टिकल इधर मूव करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, बॉल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो इसको जो बॉल्स मिलेंगी वो ज्यादा मिलेंगी। बट अगर ये इधर मूव करने लग जाए, इधर मूव करता जा रहा है, उल्टा उल्टा मूव करते जा रहा है और बॉल रखते जा रहा है, बॉल रखते जा रहा है, तो जो बॉल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसको जो मिलने वाली बॉल्स पर सेकंड होंगी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये ध्यान रहे कि जब भी सोर्स, ये क्या है, कलेक्टर, ठीक है ना, कलेक्ट कर रहा है बॉल्स, जब भी सोर्स वाला जो पार्टिकल है, सोर्स वाला जो आदमी है वो दूर जाए या फिर कलेक्टर वाला दूर जाए, तो इसको मिलने वाली नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 5 से कम आएंगी, समझ आ रही है, पर सेकंड, ठीक है। मतलब इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी 5 से। या ऐसा हो कि ये सोर्स के क्लोज में जाए या फिर सोर्स इसके क्लोज में आए, तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स इसको क्या मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसके लिए, ज्यादा होगी। तो ये एक जस्ट मैकेनिकल वे है जो कि समझने का। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि डॉपलर इफेक्ट है क्या। डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन में बोल रहा हूं, हो क्या रहा है कि यहां पे
सोर्स एंड ये क्या है कलेक्टर. तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकेंड, वो चेंज हो रही है. किससे चेंज हो रही है? या तो सोर्स पार्टिकल, या तो सोर्स जो है ना, सोर्स जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, बॉल्स दे रहा है, या तो वो मूव करने लग जाए, या फिर ऑब्जर्वर मतलब कलेक्टर क्या करे, ये मूव करने लग जाए क्लोज या दूर. दोनों के मूव करने की वजह से फ्रीक्वेंसी जो इसको मिलेगी, जो इसको मिलेगी वो अलग आएगी. जो इसको फ्रीक्वेंसी से बॉल्स मिलेंगी वो अलग आएगी किसी भी एक के मूवमेंट की वजह से. तो जो फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी है 5 बॉल्स पर सेकेंड रखने की, उससे फ्रीक्वेंसी किसकी अलग आएगी, इसको कलेक्ट करने वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग आएगी. इसको जो बॉल्स पर सेकेंड मिलेंगी वो अलग आएंगी. कब? जब इनका दोनों में से किसी का एक का मूवमेंट हो जाए या दोनों का मूवमेंट हो जाए. तो ध्यान से समझिए, डॉपलर इफेक्ट है क्या. देखिए सुनिए, एक डेफिनेशन में लिखा रहा हूं, अच्छे से लिखिए, पहले सुनिए फिर लिखिए. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट whatever frequency is sent by the source, and this phenomena of change in frequency leads to change in sound is known as Doppler effect. तो यही कहना चाहता है कि किसके दोनों के सोर्स पार्टिकल या किसके जो लिसनर है, या फिर बोले तो क्या है ये ऑब्जर्वर है. यहाँ पे साउंड की बातें होंगी, ये बॉल्स तो मैंने आपको बता दिया है समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे साउंड की बात होगी. तो जब भी किसी एक का मूवमेंट होता है, या तो लिसनर का या फिर किसका जो सोर्स का, किसी एक के मूवमेंट की वजह से फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर क्या होगी, डिफरेंट होगी. किससे डिफरेंट होगी? जो कि सोर्स पार्टिकल ने फ्रीक्वेंसी जो जनरेट की है उससे डिफरेंट होगी. ठीक है, क्या किसकी वजह से? जब इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है उसकी वजह से. तो इसका एक केस वन लेते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैंने लिखाया है रिपीट करके, ठीक है ना. अब इसका केस वन लेते हैं. केस वन में हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्वर को दौड़ाएंगे, ठीक है ना. केस वन में क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्वर को दौड़ाएंगे. क्या करेंगे? ऑब्जर्वर को इधर दौड़ाएंगे, ठीक है ना. उससे चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि हम ये मान सकते हैं कि ऑब्जर्वर को जो ये बॉल्स मिलेंगी वो ज्यादा स्पीड से मिलेंगी. समझ आ रही है? नहीं आ रही? ज्यादा स्पीड से मिलेंगी बॉल्स जो मिलेंगी, ठीक है ना. मतलब नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, ज्यादा मिलेंगी जब ये मूव करने लगेगा. तो देखते हैं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या आता है, ठीक है ना. तो ये जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल हो गया. अभी आगे समझते हैं. मानिए कि आपके पास में ये सोर्स है. तो दिस इज केस वन. केस वन इज इफ दिस इज सोर्स पार्टिकल. सो दिस इज सोर्स एंड जनरेटिंग द साउंड वेव. एंड साउंड वेव कहां तक पहुंच रही है? ऑब्जर्वर तक, ठीक है. ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, ठीक है. अब सुनिए, जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है साउंड वेव की? v. मान लिया मैंने v है साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, जो कि क्या होती है अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड. और अब सुनिए मेरी बात ध्यान से. हो क्या रहा है कि अगर मैं ऑब्जर्वर को इधर दौड़ाने लग जाऊं, क्या दे दूं मैं? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर जो कि v है. ये क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है ना. अब स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर आपको दे रखी है. अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं f, तो f में क्या लिखूंगा बताइए f क्या लिखूंगा? v बाय लेमडा. सिंपल v बाय लेमडा लिख दूंगा. f क्या है यहां पर? f फ्रीक्वेंसी ऑफ द
सोर्स, ठीक है, वी बाय लैम्डा। यहां पे बताइए मुझे इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए इसको हर्ट बाय द फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ लिख सकते हैं, कुछ एफ नॉट लिख लीजिए, एफ नॉट लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कॉल्ड रियल फ्रीक्वेंसी एज वेल। तो दिस इज रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड हम इसको क्या बोलते हैं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, उसका क्या बोल सकते हैं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिंपल, क्या v, v किसकी v, जितने से ये कितनी आ रही है, ये कौन, ये जो बॉल्स या फिर बोले तो साउंड वेव, बॉल्स या साउंड वेव जितने से इसे आती हुई नजर आ रही है, जितने से आती हुई नजर आ रही है। एक बात बताइए, जब ऑब्जर्वर इधर चलने लग जाएगा, जैसे मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था वो, उसमें जब कलेक्टर चलने लग गया था उस प्लेट पर, तो उसको बॉल कितने से आती हुई नजर आएंगी, बॉल्स की स्पीड इधर थी 2 मीटर पर सेकेंड, और वो खुद भी इधर मान लो वी से चलने लग गया, तो बॉल्स उसे उसे कितने से आती हुई नजर आएंगी, उसके रिस्पेक्ट में कितने से आ रही होंगी बॉल्स, बोलो, 2+v से आ रही होंगी। नहीं समझ आया, अगर मान लो मैंने वो जो प्लेटफॉर्म बनाया था उस पर अगर ऑब्जर्वर जो कलेक्टर था वो चढ़ जाता है और उसमें बॉल्स कलेक्ट करने लगता है, और खुद इधर मान लीजिए वीओ से चल रहा है, वीओ से इधर, और जो बॉल्स आ रही थी वो कितने से आ रही थी, 2 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉल्स बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में उसके पास में कितने से आ रही है, 2+v0 से। और यहां पे क्या हो रहा है, साउंड वेव देखिए, साउंड वेव कितने से आ रही है, वी से, और रियलिटी में ये भी इधर कितने से जा रहा है, v0 से। तो यहां पे अगर देखा जाए नेट वेलोसिटी ऑफ जो जो साउंड वेव आ रही है, इनकी वेलोसिटी ये क्या लिखी जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, क्या लिखी जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, v+v0, सिंपल v+v0 अपॉन लैम्डा, खत्म। और लैम्डा यहां से निकाल लेंगे, देखिए क्योंकि लैम्डा तो सेम ही है, लैम्डा क्या था, जो बॉल्स आ रही थी, बॉल्स आ रही थी उनके बीच में डिस्टेंस, जो उस प्लेटफॉर्म रखा हुआ था ना, प्लेटफॉर्म रखा हुआ था, दोबारा देखो उस प्लेटफॉर्म को, उस प्लेटफॉर्म में जो बॉल्स थी शुरुआत में, जब कलेक्टर उस पर चढ़ के क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, बॉल कलेक्ट कर रहा था, तब उसमें हो क्या रहा था कि बॉल्स के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही थी ना, बॉल्स के बीच में डिस्टेंस कब चेंज हुई थी, जब सोर्स चलने लग गया था, बॉल्स के बीच में डिस्टेंस कब चेंज हुई थी, जब सोर्स चलने लग गया था। तो इसका मतलब क्या है कि जब कलेक्टर, जब ऑब्जर्वर चलने लगेगा तो लैम्डा तो दोनों का सेम ही होगा, लैम्डा क्या है, वही है ना, दो पीक्स के बीच में डिस्टेंस, समझ आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, लैम्डा सेम रहने वाला है, मतलब दो बॉल्स के बीच में डिस्टेंस सेम रहने वाली है। तो यहां से लैम्डा जो इसके लिए होगा वही लैम्डा इसके लिए होगा, तो हम यहां लैम्डा की वैल्यू यहां से ले लेते हैं, कितना हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू, बोलो वी बाय एफ। तो हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी प्लस वी नॉट अपॉन वी बाय एफ। तो हमें जो फॉर्मूला मिला वो ये मिला, और देखो आप देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो एफ से ज्यादा है, एफ क्या है, रियल फ्रीक्वेंसी, उससे क्या है, ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, यहां पे वी नॉट प्लस एड हो रहा है, और ये एड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। केस टू क्या होगा, केस टू में ये दूर जाएगा, ठीक है। तो केस टू करते हैं, इसमें ये लिख लीजिए एफ नॉट कितनी हो जाएगी, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखिए जो ऑब्जर्वर की स्पीड है आप देखेंगे हमेशा ऊपर आती है, ये ट्रिक्स बताऊंगा मैं। केस टू, केस टू में क्या है, केस टू में ये है, इफ दिस इज सोर्स, अब ये सोर्स से ये वेव चल के आ रही है, दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है। और ऑब्जर्वर अब किधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, कितने से दौड़ रहा है, वी नॉट से। और ये जो वेव आ रही है वो कितने से आ रही है, वी से, और वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, एंड ये क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी विच इज रियल फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, दिस इज रियल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स जनरेट जिस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी
अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसके लिए एफ नॉट मान लेते हैं क्योंकि ये ओ क्यों लिया है मैंने, ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, वी कितने से इसको साउंड वेव आती हुई नजर आ रही है, कितने से वो बॉल्स आती हुई नजर आएंगी जब ये इधर वी नॉट से जाने लगेगा, तो बताइए वी माइनस वी नॉट, क्योंकि साउंड की स्पीड थोड़ी ज्यादा बहुत ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो यहां से इसको इसको जो साउंड मिलेगी वो कितनी स्पीड से मिलेगी, वी माइनस वी नॉट से मिलेगी। मान लीजिए साउंड इधर से आ रही है, इधर से आ रही है साउंड, पीछे से आ रही है और मैं इधर मूव करने लग जाऊं वी नॉट से, और इधर से पीछे से ऐसे आ रही है साउंड वेव, तो इसका मतलब नेट मुझे कितने से मिलेगी, वी माइनस वी नॉट से। तो हम कह सकते हैं वी माइनस वी नॉट अपॉन लेमडा, लेमडा तो अब भी सेम रहने वाला है, सेम क्यों रहने वाला है, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स, बॉल्स देखी थी ना, बॉल्स प्लेटफॉर्म पे रखी थी, उनके बीच में ऑब्जर्वर जब चले तो उनके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फिर जो हमारी वेव है साउंड वेव, तो साउंड वेव के दो पीक्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, समझ आ रही है। उसका लैम्डा जो है, लैम्डा लैम्डा वेवलेंथ क्या होने वाली है, सेम रहने वाली है, लैम्डा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, इसके लिए देख लो या इसके लिए देख लो, दोनों के लिए लैम्डा सेम रहने वाली है। तो हो क्या रहा है, लैम्डा की वैल्यू यहां से डाल देंगे तो आ जाएगी एफ नॉट इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमने कितना डाला यहां से, वी अपॉन एफ, सो दिस इज द रिलेशन। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो अपेरेंट आ रही है वो कम आ रही है, किससे, एफ से, देखो ये क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। तो एफ से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो ये ध्यान रख लो, जब भी ऑब्जर्वर दूर जाए किससे, सोर्स से, तो फ्रीक्वेंसी जो अपेरेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी, और यहां पे माइनस साइन आएगा, और जब ये पास में जाए सोर्स के में तब यहां पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, और ऑब्जर्वर की जो स्पीड है हमेशा ऊपर रहेगी, ये ध्यान रखें, कुछ भी हो जाए ऊपर रहेगी, ऑब्जर्वर की स्पीड ऊपर रहेगी, ठीक है ना। एंड थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, थर्ड केस लिखिए, थर्ड केस में क्या है, सोर्स पार्टिकल अब क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, क्या करने लगेगा, सोर्स पार्टिकल मूव करेगा। तो देखिए ध्यान से हो क्या रहा है, सोर्स पार्टिकल जैसे मूव करेगा तो मान लीजिए ऐसे वेव चल के आ रही है, ठीक है ना, मैंने बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि इसमें यही सिखाना है, यही सीखने का है तुमको। तो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, हो क्या रहा है कि यहां देखिए ये सोर्स पार्टिकल क्या करने लग गया, इधर चलने लग गया, कितने से, वी एस से, वी एस से क्या चलने लग गया, सोर्स पार्टिकल, ठीक है। एक बात बताइए, बॉल्स जो चल रही थी वो तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी ना, ध्यान से मुझे बताइए क्या बॉल्स की स्पीड चेंज हो रही थी, बॉल्स की स्पीड चेंज हो रही थी क्या, नहीं, बॉल्स की स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, चाहे सोर्स चल रहा हो चाहे ऑब्जर्वर चल रहा था, किस पर, प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था उस पर, चाहे ऑब्जर्वर चल रहा था चाहे कौन, सोर्स चल रहा था, बॉल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही थी, चेंज क्या हो रहा था, या तो बॉल्स के बीच में डिस्टेंस, या ऑब्जर्वर जब चल के आ रहा था तो बॉल ज्यादा कलेक्ट कर रहा था, समझ आ रही है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही थी, समझ आ रही है, लेकिन रियलिटी में अगर बात करें तो बॉल्स सेम वेलोसिटी से चल रही थी, समझ आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड जो मैंने वहां पर ली थी, ठीक है, सारी बॉल्स। यहां पर भी जो साउंड की स्पीड होगी वो सेम रहेगी, साउंड सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी एयर में, साउंड सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी एयर में, साउंड की स्पीड चेंज नहीं होगी। लास्ट में जो साउंड की स्पीड चेंज हुई थी वहां पर जो स्पीड लिखी थी वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिखी थी, जो क्या लिखी थी, v प्लस v नॉट या v माइनस v नॉट, लेकिन रियलिटी में उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई थी। साउंड की स्पीड कितनी थी अगर ग्राउंड से देखता तो साउंड की स्पीड सेम ही थी, समझ आ रही है, साउंड की स्पीड चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि साउंड की स्पीड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई रो, बीटा बाई रो थोड़ी चेंज हो जाएगा अगर ऑब्जर्वर या कोई भी मूव कर जाए तो, उससे थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, क्या लिया था, स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी बाई रो, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। हमने देखा था कि साउंड की स्पीड कैसे चेंज होती है, या तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर, ह्यूमिडिटी की वजह से, ठीक है, या प्रेशर की वजह से, इफेक्ट ऑफ देखा था ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो वैसे ही साउंड की स्पीड चेंज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहां पर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वहां पे वेलोसिटी क्या हुई थी, चेंज हुई थी, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं होगी साउंड की, बट चेंज क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको। अब हुआ क्या कि मान लीजिए ये उसने क्या छोड़ा,
ये वी नॉट वी सी वी एस से इधर ये चलने लग गया, क्या चलने लग गया, सोर्स पार्टिकल वी एस से यहां पे चलने लग गया। तो अब देखिए ध्यान से कि ये था ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। अब एक बात मुझे बताइए कि यहां पे जो लैम्डा है, यहां पे जो लैम्डा मिलेगा, इसके लिए अगर मैं लिखूं वी एफ ओ, इसके लिए क्या लिखूं, एफ ओ लिखूं, तो एफ ओ में क्या लिखूंगा बताइए, एफ ओ लिखूंगा, ये जो स्पीड आ रही है साउंड की वो इसके लिए कितने कितने से आ रही है, मतलब जो बॉल्स आ रही थी, ध्यान से सुनिए, जो बॉल्स आ रही थी इसके पास में, अब क्या ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, सोर्स चल रहा है, तब जो बॉल्स वाला प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल किया था उसमें क्या था, बॉल्स इसको सोर्स जब चल रहा था तब बॉल्स जो ऑब्जर्वर को मिल रही थी, कलेक्टर को मिल रही थी, तो कितने से मिल रही थी, वही 2 मीटर पर सेकंड से मिल रही थी। ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो यहां पर जो वेलोसिटी है जो साउंड की वो तो सेम रहने वाली है, क्या टू मी वही जो साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड तो सेम रहने वाली है ऑब्जर्वर के केस में, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो उसको तो एयर में जो साउंड चल के आएगी वही मिलेगी ना, ठीक है, पर चेंज क्या हो रहा है यहां पे, इसके लिए लैम्डा हो रहा है, मैंने बताया था बॉल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रही थी, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सोर्स पार्टिकल चलने लग गया था, तो सोर्स पार्टिकल चलने लग गया था उसकी वजह से बॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो अब सुनो यहां पर लैम्डा क्या लेंगे, इफेक्टिव वाला लेंगे, क्यों, जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें लैम्डा चेंज नहीं हो रहा था, बॉल्स के बीच में डिस्टेंस क्या नहीं हो रही थी, चेंज नहीं हो रही थी, बट यहां पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो कैसे बताता हूं। अब देखिए मान लीजिए ये पार्टिकल ने यहां से एनर्जी छोड़ा और एनर्जी छोड़ के एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में यहां तक पहुंच गई, समझ रहे हो ना, एक टाइम पीरियड में एनर्जी यहां से यहां तक पहुंच गई, समझ रहे हो, तो अभी सुनिए यहां पे, यहां से जब पार्टिकल चलने लग गया तो यहां से कितनी रफ्तार से, यहां से जैसे कि मान लीजिए इसने साउंड की एनर्जी छोड़ दी, ठीक है, यहां पे जब था ओरिजिन पे जब था, कौन सोर्स यहां पे जब था, सोर्स ने क्या छोड़ दिया, साउंड एनर्जी छोड़ दी, साउंड जैसी छोड़ दी, तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एक काम हुआ वो ये हुआ कि वो यहां से एनर्जी ट्रेवल करके यहां तक आई, और यहां तक जब एनर्जी आई है तो उसके लिए अगर ये लिखना है हमको, ये डिस्टेंस, ये लैम्डा वाली डिस्टेंस लिखनी है, तो लैम्डा कितनी लिखूंगा मैं बोलिए, ये डिस्टेंस मैं लिखूंगा, ये एक तो स्पीड, किसकी स्पीड बोलिए, किसकी स्पीड, जो साउंड ट्रेवल करके गई है उसकी स्पीड, और मल्टीप्लाई बाय द टाइम पीरियड। लेकिन जितने टाइम में ये एनर्जी यहां से यहां तक पहुंची, उतने टाइम में हुआ क्या कि ये जो सोर्स है ना, सोर्स वो कहां पहुंच गया, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, क्योंकि एक टाइम पीरियड में इसने क्या वीएस से चल रहा है ना, तो वीएस इंटू टी क्या ट्रेवल कर लिया, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया एक टाइम पीरियड में, बात समझ आ रही है, जब तक, और फिर जब ये यहां आया, जब ये यहां आया तो फिर एक और छोड़ दी, जब यहां आया तो एक और वेव छोड़ दी इसने, तो जो इफेक्टिव लैम्डा है वो क्या है, अब ये है इफेक्टिव लैम्डा, तो दिस इज इफेक्टिव लैम्डा इफेक्टिव, क्योंकि जो दो बॉल्स थी, देखो एक बॉल तो जब ये यहां था तब थोड़ी, तो वो बॉल यहां तक पहुंच गई, सुनना ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए अगर ये बैठा रहता तो एक बॉल छोड़ दी इसने, एक टाइम पीरियड में वो बॉल यहां पहुंच गई, लेकिन ये खुद भी एक टाइम पीरियड में यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना, और दूसरी बॉल कहां से छोड़ रहा है, यहां से छोड़ रहा है, मतलब दूसरा जो दूसरी बॉल्स यहां से छोड़ रहा है, इसका मतलब जो पहली बॉल छोड़ी थी और दूसरी बॉल जो छोड़ रहा है उसके बीच में डिस्टेंस ही क्या है, लैम्डा, बात समझ आ रही है, तो यहां पे वो बॉल्स के एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, तो यहां पे बेसिकली बॉल्स के बीच में डिस्टेंस अगर ये चलने लग जाता है तो क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है ना, इसकी वजह से यहां पे लैम्डा इफेक्टिव की वैल्यू जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, वी टी माइनस वी एस इंटू टी, तो यहां से कह सकते हैं अपन लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू वी माइनस वी एस इंटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को क्या लिख सकता हूं मैं बोलो, टाइम पीरियड को 1/f, और f क्या है, रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रियल फ्रीक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं बाय f, तो यहां से लैम्डा इफेक्टिव जब यहां पे फिट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ, सो दिस इज द apparent frequency for the observer, हुआ क्या है, एक बार और समझा रहा हूं मैं, frequency क्या होता है, number of vibration per second, मान लीजिए एक vibration यहां से छोड़ा इसने, ठीक है, एक vibration छोड़ा तो वो एक time period में यहां तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन जब तक ये यहां तक पहुंचा, दूसरा vibration इसने
यहां से छोड़ा, क्योंकि उस टाइम में यहां से यहां ट्रेवल कर चुका था, ठीक है। तो जो दो वाइब्रेशन है, दो वाइब्रेशन उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लैम्डा इफेक्टिव। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो ऐसे हमने क्या निकाला है, लैम्डा इफेक्टिव निकाला है। यहां पे वही बॉल्स वाले एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मान लीजिए यहां से एक बॉल छोड़ी यहां पे, वो एक टाइम पीरियड में यहां पहुंच गई, लेकिन जब तक ये बॉल यहां पर पहुंची तब तक ये कहां आ चुका था, इस पॉइंट तक आ चुका था। तो दो बॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोल दिया, लैम्डा इफेक्टिव बोल दिया, खत्म। सिंपल सी बात है, ज्यादा टफ है ही नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस में हम लिख सकते हैं कि यहां पे क्या हो जाए, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, करते हैं उसको भी। दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है। अब क्या ये सोर्स किधर ट्रेवल कर रहा है, इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कितने से, वीएस से। तो अब हुआ क्या कि एक टाइम पीरियड में ये एक जो वाइब्रेशन है वो यहां से यहां पहुंचा, ठीक है ना, यहां से यहां वाइब्रेशन पहुंचा। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो है ये क्या है, लैम्डा, और लैम्डा को क्या लिखूं मैं, वी इंटू एफ सीधा, एक सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा, या यहां से यहां तक वाइब्रेशन को ट्रेवल करने के लिए एक टाइम पीरियड के इक्वल टाइम लगा, तो हम लिख सकते हैं इसको लैम्डा इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक है, या फिर बोले तो वी बाय एफ, ठीक है। अब सुनिए, अब जब इधर चलने लग गया तो मान लीजिए यहां से यहां पहुंच गया, जितने टाइम में ये एक वाइब्रेशन यहां से यहां पहुंचा उतने टाइम में ये चल के कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, सोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया यहां से यहां तक, इसने ट्रेवल कर लिया इसने लगभग वी एस इंटू टी, तो वी एस इंटू टी, तो जो लैम्डा इफेक्टिव हो जाएगा, अब यहां से छोड़ेगा, ये यहां से क्या करेगा, छोड़ेगा, अब यहां से दूसरा वाइब्रेशन छोड़ेगा, ठीक है, इधर के लिए छोड़ेगा, दूसरा वाइब्रेशन छोड़ेगा, तो यहां से जो छोड़ेगा, तो ये जो नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि एक बॉल यहां से छोड़ दी, वो बॉल यहां तक पहुंची, ठीक है, अब दूसरी बॉल कब छोड़ रहा है, जब ये यहां पे पहुंच गया है। क्यों, क्योंकि जितने टाइम में ये वाइब्रेशन यहां से यहां पहुंचा उतने में ही एक टाइम पीरियड में ये भी तो यहां से यहां पहुंच गया, तो अब दूसरी बॉल यहां से छोड़ रहा है, तो जो डिस्टेंस हो गई टू बॉल्स के बीच में कितनी हो गई, ये हो गई, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लैम्डा इफेक्टिव। उसको कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं वी एस अपॉन एफ, तो दोनों को ऐड कर दो, तो लैम्डा इफेक्टिव इक्वल टू वी कैन से वी प्लस वी एस अपॉन एफ, ठीक है। तो यहां पे देखिए, दिस इज ऑब्जर्वर, तो इसके लिए एफ नॉट क्या लिखूंगा मैं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वी, वी क्या है, वेलोसिटी अपॉन जितनी वेलोसिटी से बॉल्स मिल रही है, या जितनी वेलोसिटी से क्या मिल रही है, वे साउंड वेव मिल रही है, वो वेलोसिटी, ठीक है। बॉल्स किसमें, हमारा एक एग्जांपल प्लेटफॉर्म वाला, ठीक है, इफेक्टिव। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगी v अपॉन v प्लस वी एस इंटू एफ, ठीक है। तो दिस इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको बहुत अच्छे से अब देखिए, सोर्स नीचे, ऑब्जर्वर कहां था, ऊपर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे प्लस आया है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है अपेरेंट वाली यहां पे जो आ रही है वो क्या आ रही है, कम आ रही है रियल से, रियल से कम है, क्योंकि ये क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। तो रियल से कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली आप देखो यहां से सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से, इसका मतलब जब दूर जा रहा होता है तो अपेरेंट जो इसको सुनाई देती है वो क्या होती है, कम होती है। जब ये पास आ रहा होता है तो यहां पर माइनस होता है, माइनस होता है तो क्वांटिटी कम होती है, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, ज्यादा आ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, ऑब्जर्वर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। So, अब देखिए एक चीज मैं लिख रहा हूं, लिखिए इसको। अब मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं जिनमें आपको खुद को बताना है। मान लीजिए फर्स्ट, और आपको सबको आपको ही लिखना है, उनके लिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है। देखिए ये सोर्स एंड ये क्या है, ऑब्जर्वर। मान लीजिए ऑब्जर्वर को मैं ओ से रिप्रेजेंट करूंगा और सोर्स को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये इधर जा रहा है कितने से, वीओ से, और ये इधर जा रहा है कितने से, वीएस से। ये फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकंड केस, दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज सोर्स,
सोर्स जा रहा है इधर वीएस से, ऑब्जर्वर जा रहा है इधर कितने से, वी नॉट से। थर्ड ये सोर्स है और ये कौन है, ऑब्जर्वर। अब ये लाइन जॉइनिंग ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स, तो ये क्या कह सकते हैं, ये इधर जा रहा है कितने से, वी एस से, एंड ये किधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है कितने से, वी ओ से, ठीक है। फोर्थ ये सोर्स, ये क्या ऑब्जर्वर, तो हो क्या रहा है, अब ये इधर जा रहा है वी एस से, ये इधर जा रहा है कितने से, वी ओ से, ध्यान से समझिएगा। तो इनके लिए क्या लिखना है, सबके लिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो इनके लिए अपेरेंट एफ अपेरेंट क्या हो जाएगी, बोलो। यहां पे मैं देखो, मैंने बताया था कि हमेशा ऑब्जर्वर कहां आता है, ऊपर, और सोर्स का वेलोसिटी कहां आता है, नीचे। ये याद रख लीजिएगा, सोर्स नीचे ऑब्जर्वर ऊपर, सोर्स नीचे ऑब्जर्वर ऊपर, और चीजें आप आसानी से लिख लोगे, मैं लिखना बता रहा हूं। एफ क्या है, रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, एफ क्या है, रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपको जो यहां पे साइन लगाने हैं वो आपको ही लगाने हैं, सोच के देखो कैसे लगाओगे आप। एफ अपेरेंट, एफ अपेरेंट क्या, वी वी नॉट अपॉन वी वी एस एफ, लगाइए साइन लगाइए, इसमें क्या आएगा, प्लस माइनस कहां क्या आएगा, आप सोच के लगाइए। एफ अपेरेंट वी वी नॉट वी वी एस, किसी भी कैसा भी केस है, कोई कहीं भी जा रहा है, ये ध्यान रखिए कि वी एस नीचे आएगा, वी ओ ऊपर आएगा, क्लियर कट। एफ अपेरेंट वी वी नॉट अपॉन वी वी एस और इनटू एफ, बताइए बताइए साइन कन्वेंशन क्या लगेगा। इधर देखिए, सिंपल मैंने आपको बता दिया, आपको बस ऐसा बिठाना है, अपेरेंट ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स से तो फ्रीक्वेंसी कम, ऑब्जर्वर पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम, सोर्स पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बस खत्म। आप देखिए यहां पे सोर्स कहां जा रहा है, पास में जा रहा है, सोर्स पास में जा रहा है, सोर्स पे आ जाएगी, सोर्स पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देनी चाहिए, इसकी वजह से ज्यादा सुनाई देनी चाहिए, ज्यादा, तो यहां पर माइनस लगाओ या प्लस, माइनस, क्योंकि माइनस लगाऊंगा तो नीचे वाली क्वांटिटी क्या कम, और नीचे वाली क्वांटिटी कम तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऑब्जर्वर क्या आ रहा है, पास में या दूर जा रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है तो ये क्वांटिटी क्या करनी है मुझे, पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या होगी, बढ़ेगी ना, तो वो कैसे बढ़ सकती है, यहां पर माइनस लगाओ या प्लस, यहां पर प्लस लगाऊंगा तभी बढ़ेगी ना। अब यहां बताइए ये कहां जा रहा है, इसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है वीएस, वीएस से पास जा रहा है, तो अब बताइए ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा। अब बढ़ाएगा तो यहां पे मैं क्या करूं, पास जा रहा है, बढ़ाएगा तो यहां पे माइनस लगाऊंगा प्लस लगाऊं, माइनस, क्यों माइनस लगाऊंगा, क्योंकि ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी ना, छोटी होगी तो ये क्वांटिटी बड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है, तो यहां पे प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, बोलो माइनस, क्योंकि यहां माइनस लगेगा तो होगा क्या, ये क्वांटिटी कम करने की कोशिश करेगा इस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को, यहां पे माइनस लगाए के, ठीक है ना। तो यहां से ये हो गया। अब यहां पे आइए, सोर्स कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है तो यहां पे फ्रीक्वेंसी को क्या करने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर को क्या करने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे क्या लगाऊं मैं, बोलो प्लस, खत्म। यहां पे क्या लगाऊं, ऑब्जर्वर क्या जा रहा है, पास जा रहा है सोर्स के, पास जा रहा है तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या लगा दूं, प्लस, खत्म। यहां देखो सोर्स कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या करने की कोशिश कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को घटाने की कोशिश कर रहा है, घटाएगा कैसे, जब यहां पे प्लस लगा दूं। ऑब्जर्वर कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या करूं, दूर जा रहा है तो क्या करूं, घटाएगा फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, खत्म। सिंपल सी बात है, ये चीज रट लीजिए, वो जो एक्सप्लेनेशन बताया, अगर नहीं भी याद रहे तो चलेगा, नहीं भी याद रहे तो चलेगा, ये चीज याद होनी चाहिए, ये चीज याद है तो सब ठीक है, ठीक है। लिखिए इसको अच्छे से। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, ये पाथ है एंड यहां पे क्या है कि एक गाड़ी है, ठीक है, यहां पे गाड़ी में क्या है, एक
इंसान बैठा है। अब हो क्या रहा है कि जब ये जा रहा है वीएस से, कितने से जा रहा है वीएस से, हॉर्न बजाएगा ये हॉर्न, ठीक है हॉर्न, ये जब हॉर्न बजाएगा तो अब हुआ क्या है कि ये एक यहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है यहां पर ऑब्जर्वर, ये मान लीजिए जस्ट इसके रास्ते में कहीं है, कहीं इसके रास्ते में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, रास्ते में दिस इज ऑब्जर्वर। ये मान लीजिए जैसे कि सड़क पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, सड़क के इधर साइड से लेफ्ट से क्या आ रही है गाड़ी आ रही है और राइट में क्या है निकल जाती है, समझ आ रही है, सॉरी इधर राइट से गाड़ी आ रही है और लेफ्ट में निकल जाती है इधर, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि देखो जब वो मेरे पास आएगी तो मैं कुछ और फ्रिक्वेंसी सुनूंगा, जब ये दूर जाएगी तो मैं कुछ और फ्रिक्वेंसी सुनूंगा। तो निकालना क्या है आपको, चेंज इन फ्रिक्वेंसी फॉर द ऑब्जर्वर, क्या निकालना है, चेंज इन फ्रिक्वेंसी फॉर द ऑब्जर्वर। अब सुनिए ध्यान से, इसकी फ्रिक्वेंसी जो हॉर्न की फ्रिक्वेंसी मान लीजिए एफ दे रखी है आपको, ठीक है, और v क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, v दे रखी है आपको क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो आप खुद देखिए जब ऑब्जर्वर के पास में गाड़ी आएगी तो इसका मतलब सोर्स क्या आ रहा है, पास में आ रहा है, जब ऑब्जर्वर से पास होके निकलेगी इधर से दूर जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, सोर्स दूर जा रहा है, ठीक है ना। तो बस लिख दो एफ इनिशियल, इनिशियली क्या होगा बोलो, सॉल्यूशन F इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली ये पास में आ रही है, पास में आ रही है तो लिख दो पहले, सबसे पहले क्या लिख लो, वही इसको लिखने के लिए V V नॉट अपॉन V Vs इनटू F, ये लिखने के बाद क्वेश्चन शुरू करो, खत्म, ये लिख लो फिर क्वेश्चन शुरू करो। अब बताइए ऑब्जर्वर यहां पर बैठा है ना, बैठा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है, जीरो, स्पीड किसके पास है, ओनली सोर्स के पास, सोर्स के पास स्पीड होगी। अब बताइए सोर्स के पास में आ रहा है ऑब्जर्वर के, पास में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर क्या सुनेगा, ज्यादा सुनेगा, ज्यादा सुनेगा तो यहां पे क्या आनी चाहिए, माइनस, खत्म, क्योंकि यहां माइनस होगा तभी ये क्वांटिटी कम होगी, तभी इनिशियल क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब बताइए फाइनली क्या होगा, फाइनली जब ये इधर निकल चुकी होगी ये गाड़ी, इधर निकल चुकी होगी और निकल निकल चुकी होगी तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ ही है, तो जब ये दूर जा रही है, जब दूर जा रही है तो क्या हो जाएगी, एफ फाइनल, एफ फाइनल अपेरेंट एंड एफ इनिशियल अपेरेंट, ठीक है अपेरेंट। तो यहां पे वही चीज, तीन चीजें, वी वी नॉट अपॉन वी वी एस इंटू एफ, खत्म। अब क्या है, वी नॉट क्या है, जीरो, खत्म। यहां v प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, दूर जा रही है तो ऑब्जर्वर क्या है, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम सुनेगा ना, तो कम सुनेगा इसका मतलब क्या है, यहां पे प्लस लगा दो, खत्म, नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ गई, ऊपर वाली क्या है कम है, तो क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। अब सुनिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, लिखिए, सो नाउ द एग्जाम्पल इज, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये और इसको अच्छे से करेंगे अपन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है वो समझिए, ये वॉल है, क्या है, वॉल, वॉल की एक प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता देता हूं, वॉल से अगर कोई, जैसे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म था ना, ठीक है, तो अगर देखा जाए, सुना ध्यान से, ध्यान से सुनना कि बॉल प्लेटफॉर्म था हमारे जिस पर बॉल हमारी चल रही थी, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म था, ऐसा ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया था, याद हो तो, ठीक है, यहां पे हमने सोर्स को बिठा रखा था और यहां पे हमने किसको बिठा रखा था, ऑब्जर्वर को बिठा रखा था। अब हमारा ऑब्जर्वर क्या है पता है, वॉल, हमारा ऑब्जर्वर अभी क्या है, वॉल। तो अब बताइए यहां से जो बॉल जाएंगी, ठीक है, यहां से जो बॉल गई वो उसको मिलेंगी, कुछ वहां की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, मिल गई, पर जो बॉल से टकराएंगी, वॉल से, तो इलास्टिकली टकराएंगी, ये मान लीजिए इलास्टिकली टकराएंगी,
जितनी स्पीड से उधर गई उतनी स्पीड से ही क्या है इधर लौट के आएंगी। ये मान लीजिए बॉल की बस एक ही प्रॉपर्टी मान लीजिए कि उससे जितनी स्पीड से उससे टकराएगी बॉल उतनी स्पीड से क्या है लौट आएगी, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी उतनी फ्रीक्वेंसी से वो क्या है कि साउंड को क्या कर देगा रिफ्लेक्ट कर देगा, सेम फ्रीक्वेंसी से रिफ्लेक्ट कर देगा। अरे तुम खुद ही सोचो कि अगर बॉल से पांच बॉल पर सेकंड इससे टकराए तो पांच बॉल पर सेकंड ही तो क्या आएंगी लौट के आएंगी ना। पांच बॉल पर सेकंड अगर ये बॉल से टकरा के लौट रही हैं, पांच बॉल पर सेकंड इस पर टकरा रही हैं, तो पांच बॉल पर सेकंड को ही तो क्या करेगा ये, अरे रिफ्लेक्ट बैक करेगा या नहीं करेगा वॉल। तो वॉल की बस एक ही प्रॉपर्टी है कि अगर ये सुन रही है मान लीजिए 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन रही है ये, तो ये 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही रिफ्लेक्ट करती है, मतलब ये सोर्स बन जाती है। जब इस पर अगर ये क्या बन जाती है सोर्स बन जाती है, यहां पर दिखेगा ना मान लीजिए पांच वॉल पर सेकंड से टकरा रही है तो पांच वॉल पर सेकंड ही रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इसने हर्ड सुनी कितनी पांच बॉल पर सेकंड, मतलब पांच हर्ड्स की फ्रीक्वेंसी सुनी इसने और रिटर्न में भी कितनी कर दी फाइव हर्ड्स की फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर दी। इसका मतलब क्या किया ये ऑब्जर्वर से क्या बन गया सोर्स बन गया, ऑब्जर्वर से क्या बन गया सोर्स बन गया, ऑब्जर्वर से क्या बन गया सोर्स बन गया। ये प्रॉपर्टी होती है वॉल की, समझ आ रही है। जब भी साउंड सोर्स साउंड किससे टकराएगी वॉल से, तो ये क्या बन जाएगा ऑब्जर्वर होगा पहले तो फिर सोर्स बन जाएगा, समझ आ रही है। तो ये ध्यान रहे वॉल की प्रॉपर्टी है जिसको अच्छे से अपनी भाषा में लिख लीजिए। सुनिए तो अब हुआ क्या है कि ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, ठीक है, इसमें क्या है एक इंसान बैठा है और ये हॉर्न बजा रही है, ठीक है हॉर्न, और इधर जो चल रही है ये इसकी रफ्तार मान सकते हैं आप V1 मान लीजिए, कितनी V1, इसकी रफ्तार कितनी मानी मैंने V1, V1 से इधर जा रही है, ठीक है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना। और एक कोई इंसान है इसको मैंने नाम दे दिया मान लीजिए बी, कौन है बी, एक बी इंसान, कौन है बी इंसान, और बी इंसान किधर जा रहा है इधर जा रहा है कितने से V2 से, कितने से जा रहा है ये V2 से इधर जा रहा है, V2 स्पीड से जा रहा है इधर, एक इंसान है जो कि V2 स्पीड से इधर जा रहा है, और जो हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी कितनी है F, इसको ही बोलेंगे अपन रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है रियल फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है, ठीक है भाई रियल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अभी आपको पूछा क्या है पता है, तीन चार चीजें मैं पूछ लेता हूं आपको कि फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द, कई सारी पूछ लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी हर्ड या कहेंगे रीच टू द वॉल, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कह देंगे फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर, ये इसको भी नाम दे देते हैं कुछ ड्राइवर दे देते हैं ड्राइवर डी ड्राइवर, ठीक है ना ड्राइवर किसका है ये इसी का कार का, ठीक है ना कार का ड्राइवर को हमने क्या नाम दे दिया डी दे दिया। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर किसके आफ्टर रिफ्लेक्शन, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी एफ हर्ड बाय द ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल, फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकेंड क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द बी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल, समझ आ रही है। और थर्ड इज फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द
बी डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्न, ठीक है, डायरेक्टली जो हॉर्न से जो डायरेक्ट जो इसकी फ्रीक्वेंसी फील करेगा ना वो पता नहीं है, ठीक है ना। और क्या पूछ सकता हूं मैं आपको, हाँ तो बस यही है, तीन क्वेश्चन है ये आपको बताने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिए, इसमें मैंने सारा चीज कवर कर लिया, देखना बहुत आसानी से लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। देखिए अभी बहुत आसानी से लिखने वाले हैं, सिंपल तरीके से, ज्यादा सोचना नहीं है। अब देखिए ये तो क्या है कि सोर्स, ये क्या बन जाता है, लिसनर और ऑब्जर्वर, या बोले तो ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों बन जाता है। अब देखिए यहां पे वॉल पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब ये मान लीजिए वॉल पे अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ठीक है ना, वॉल तक कितनी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑन द वॉल कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑन द वॉल कितनी हो जाएगी वो देख लो, सिंपल क्या करेंगे, V, वही पहले तो ये लिख लो, V upon V Vs into real, ठीक है ना। real क्या है यहां पर, ये है real वाली, ठीक है ना। सिंपल ये देखिए कि यहां पर V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि मैं दे देता हूं आपको कि V इज द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, V इज द स्पीड ऑफ साउंड। अब सुनिए ध्यान से समझिए कि V और V नॉट, V नॉट क्या है, ऑब्जर्वर कौन है यहां पे, वॉल, तो V नॉट क्या है, जीरो, तो V नॉट जीरो है, ठीक है। Vs क्या है, V1, तो Vs ठीक है, V1 हो गई। Vs को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, मान लीजिए Vs को कर देते हैं यहां पे, V1 से रिप्लेस कर देंगे, कर देंगे, कर दीजिए V अपॉन V V1, ठीक है। और F, F किसकी है, F किसकी है, जो सोर्स अभी यहां पे है, F किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रियल फ्रीक्वेंसी, या फिर बोले तो जो सोर्स बना हुआ बैठा है, कौन सोर्स बना हुआ बैठा है यहां पे, अभी हॉर्न बना हुआ बैठा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी जनरेट कर रहा है वो, F, ठीक है। अभी सुनिए मुझे, यहां पे प्लस लगाओ या माइनस, ये आपको बताना है, ये बताओ हॉर्न पास में आ रहा है, पास में आ रहा है तो क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, सिंपल माइनस खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वॉल। अब वॉल की प्रॉपर्टी क्या है, जितनी इसने हर्ड की, जितनी फ्रीक्वेंसी हर्ड की उतनी क्या रिफ्लेक्ट बैक करेगा, समझ आ रही है नहीं आ रही। तो होगा क्या कि अभी कौन बन जाएगा, ये सोर्स, अभी कौन बन जाएगा, ये वॉल, वॉल क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा, वॉल क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मान लीजिए सोर्स, और ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा, एफ वॉल वाली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल। तो सिंपल है, ये ड्राइवर है, इसको बस इसके लिए, इसके लिए ध्यान से बताइए, इसके लिए सोर्स क्या है, ये है, और ये ड्राइवर क्या है, ऑब्जर्वर है, सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ वॉल, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है, पहले तो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो लिख लो, क्या है, एफ अपेरेंट, कि कौन सुन रहा है, एफ अपेरेंट कौन सुन रहा है, ये ड्राइवर डी, तो लिख लीजिए, और ड्राइवर डी कब सुन रहा है, रिफ्लेक्टिंग बाय द वॉल, ठीक है ना, डायरेक्टली। तो इसका आंसर सुनिए अभी, सीधा मैंने पहले कहा कि वीओ अपॉन वी वीएस, ये तो पहले लिख लो, और यहां पे एफ किसकी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ वॉल, क्योंकि डी के लिए अभी डी के लिए, डी के लिए ये वॉल क्या बन गया है, सोर्स बन गया है ना, अरे डी के लिए वॉल सोर्स बन गया, अभी अभी ये कैसी बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह, क्योंकि एक इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि पहले ऑब्जर्वर बिहेव करता है, फिर क्या है उतनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इस डी के लिए जो ड्राइवर है उसको ये क्या लगेगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या लगेगी बताइए, क्या लगेगी ये वाली फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये इसके लिए सोर्स बन गया। अब सुनो यहां पे वॉल की जगह हिल भी दे रखा होता है किसी किसी एग्जांपल में, कि हिल से टकरा के आगे, ठीक है ना। अभी सुनिए एक बार बताइए Vs क्या है, Vs सोर्स की वेलोसिटी, जो कि यहां पे क्या है, वॉल की वेलोसिटी जीरो, तो इसको जीरो ले लो, ठीक है। V नॉट क्या है, V नॉट है V1, क्योंकि D इधर कितने से आ रहा है, V1 से, तो अब लिखो यहां पे V V1 अपॉन V इंटू F वॉल, और F वॉल क्या है बताइए, F वॉल है क्या, ये है F वॉल, V अपॉन V माइनस V1 इंटू F, यही तो F वॉल, अरे लिख दिया ना। अब सुनिए यहां पे क्या लगाऊं, प्लस या माइनस वो आपको बताना है,
प्लस या माइनस यहां क्या लगाऊं बताइए, ये क्या है सोर्स रुका हुआ है, लेकिन ये क्या है ऑब्जर्वर, डी ऑब्जर्वर है जो कि क्लोज जा रहा है, पास में जा रहा है, इसका मतलब क्या है ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए तो यहां पे क्या होना चाहिए प्लस, खत्म। तो ये हो जाएगा आंसर किसका, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, वी प्लस वी वन अपॉन वी माइनस वी वन इंटू एफ, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, क्या है फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द बी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल, ठीक है, इसके द्वारा हर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो सिंपल इसमें क्या हो गया, इसमें से कुछ नहीं है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो लिख लो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द, हर्ड बाय द बी, हर्ड बाय द बी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल, तो लिख सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द, रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल, तो क्या हो जाएगा बोलिए, बोलिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, खत्म। पहले तो मैंने जो बोला वही लिख लो, वीओ अपॉन वी वी एस, और यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है एफ वॉल, खत्म। अब मुझे बता दीजिए आप कि यहां पे वी तो दे रखी है, ठीक है, वी नॉट यहां पे क्या है, वी नॉट इसका है कितना वी टू, तो वी नॉट की जगह क्या फिट कर दूं मैं, वी टू, वी नॉट की जगह मैंने क्या फिट कर दिया बी वी टू, ठीक है। लिख देता हूं, एक और स्टेप लिख देता हूं, वी नॉट यहां पे लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं वी वी नॉट अपॉन वी एस, क्या है सोर्स, वॉल चल रहा है कि नहीं, तो जीरो, तो अपॉन वी इंटू एफ वॉल, और वॉल क्या है वी अपॉन वी माइनस वी वन इंटू एफ। अब बताइए वी नॉट की जगह क्या रखना था, वी नॉट की जगह बोलो क्या रखना था, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड क्या है वी टू, अब प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, ये क्या जा रहा है सोर्स से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो यहां पे क्या होना चाहिए फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी क्या आनी चाहिए कम आनी चाहिए, तो कम आनी चाहिए तो कम आ जाएगी, तो कम आ जाएगी तो कहे माइनस लगा दो, खत्म। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया वी माइनस वी टू अपॉन वी माइनस वी वन इंटू एफ, सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, अभी क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द बी डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्न, अब क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द बी डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्न, तो वो कैसे निकालेंगे सुनिए, मैं ये मिटा रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द बी डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्न, तो डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्न तो मतलब ये इसके लिए क्या बन गया, इसके लिए बी के लिए सोर्स, तो फॉर बी सोर्स इज क्या है सोर्स कार हॉर्न, ठीक है, कार हॉर्न क्या बन गया सोर्स बन गया, तो सिंपल तो लिख लो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द बी डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्न, समझ आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्न, तो क्या हो जाएगी डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्न वही v v नॉट अपॉन v वी एस मल्टीप्लाई बाय f, और f क्या है यहां पे सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है f वॉल, खत्म, सॉरी f वॉल नहीं हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है ना, यहां पे इसके लिए सोर्स क्या है सोर्स इज कार हॉर्न, तो कार हॉर्न तो कार की फ्रीक्वेंसी होगी ना, कितनी देर रखी है f, तो डायरेक्टली f, सिंपल खत्म। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, इसकी एक सिंगल स्टेप में हो जाएगा, ये बताइए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है ये, इसकी स्पीड कितनी है बोलो v2, सोर्स, सोर्स कितना है v1, खत्म, v1 इंटू क्या f, खत्म। अब बताइए ऊपर प्लस लगाऊं या नीचे क्या लगाऊं, साइन साइन कन्वेंशन बोलो बोलो, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है ये सोर्स है, सोर्स कहां जा रहा है दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो सोर्स कहां आता है नीचे, नीचे सोर्स दूर जा रहा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम करना चाह रहा है इसलिए प्लस, ऑब्जर्वर कहां जा रहा है दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी कम, दूर जाने का मतलब कम, कम कम कैसे कर सकता हूं यहां पे क्या लगा के कर सकता हूं बोलो माइनस लगा के, समझ आ रही है। तो बस ये हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर द थर्ड, थर्ड क्वेश्चन के लिए ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए,
बहुत आसान है, इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें मैंने सारा कुछ कवर कर लिया आपका, सारा कुछ कवर कर लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन क्या, बड़े बड़े कितना भी कुछ भी कैसे भी करो। अभी देखिए और भी क्या पूछा जा सकता है, बताइए बीट फ्रीक्वेंसी बताइए, इससे और इसके बीच में और जो दूसरी दो तीन फ्रीक्वेंसी निकाली थी उनके बीच में बीट फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, मुझे पक्का पता है। ठीक है, तो एक बार बताइए, चलिए डी डायरेक्टली हॉर्न से कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, डी डायरेक्टली हॉर्न से कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, एफ दोनों ही मूव नहीं कर रहे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, हॉर्न क्या सेम कार में लगा हुआ है, वो भी उतनी स्पीड से जा रहा है, वो भी उतनी स्पीड से जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहे हैं दोनों, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके लिए क्या है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस क्या चेंज नहीं हो रही है, और जब दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, समझ आ रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे, जो इस फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होगा डायरेक्टली इसको मिलती जा रही होगी, सिंपल सी बात है, खत्म। वॉल की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने करा दी कि वॉल ऑब्जर्वर होने के बाद लिसनर की तरह, सॉरी ऑब्जर्वर होने के बाद सोर्स की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है भाई, देखिए